हेलो गाइस, गुड इवनिंग. वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा IQ. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपके व्यूज़ है. और हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था मेंसुरेशन. इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ थोड़ा सा हमने क्या क्या अभी तक कर लिया है. हमने कर लिया है मेंसुरेशन दो टाइप से होते हैं, 2D एंड 3D. 2D के अंदर हम इनका एरिया फाइंड करते हैं और 3D में हम एरिया एंड वॉल्यूम दोनों फाइंड करते हैं. ठीक है, अभी एरिया के अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चन, उसके ऊपर जो बेस होते हैं फॉर्मूला और जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं. ठीक है, अभी आज हम करेंगे रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर के क्वेश्चन कुछ, और हो सके तो हम सर्कल के क्वेश्चन भी कुछ कर लेंगे. ठीक है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे. आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया और सेशन लेके आ सकूं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति, मीन्स एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर है जिसका परिमाप क्या है, पैरीमीटर क्या, 160 मीटर है. आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है. आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए. तो हम यहाँ पर कर लेते हैं आयत और यहाँ हम कर लेते हैं वर्ग. वर्ग इसका जो पैरीमीटर है वो क्या है, 160, और इसका पैरीमीटर है वो भी है 160. तो इसके पैरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 × s, ये क्या होता है, 160. तो यहाँ पर s क्या आ गया, ये जो 4 है ये यहाँ मल्टीपल में है, इधर जाके आपका डिवाइड में होगा, 4 को हम डिवाइड से करेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी इस वर्ग की साइड क्या होगी, 40. आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है. आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्ग निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे. इसका क्षेत्रफल निकालना तो आसान है ना, इसका एरिया क्या होता है, साइड मल्टीपल साइड, यानी 40 × 40, यानी इसका आ गया 1600 मीटर स्क्वायर जो है वर्ग का एरिया आ गया. अब ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है ना आयत का, वो वर्ग से 100 मीटर कम है. तो यहाँ पर आयत का कर लेते हैं, यहाँ पर इसका एरिया क्या हो गया, इससे 100 कम है, यानी 16 में से 100 माइनस करेंगे 1500. ठीक है, अब ये पी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × a + b, या l + b = 160. तो a प्लस बी, यानी l + b क्या होएगा आपका, l + b आ जाएगा, ये 2 से यहाँ पे कट जाएगा 80. l + b है 80, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, l × b, और l × b क्या है, 1500. तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है, आपको क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका प्लस तो हो 80, ठीक है, और जो प्लस में हो 80 और जिनकी मल्टीपल हो 1500. तो ऐसे आपको दो नंबर फाइंड करने हैं, वो आपकी एल भी आ जाएगी. तो दो नंबर वो होंगे 50 और 30. जब आप 50 और 30 को प्लस करोगे तो 80 और मल्टीपल करोगे तो 1500. तो लेंथ आ गई 50 और ब्रेथ आ गई 30. इसने क्या पूछा, आयत की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है 50, जो आयत की लंबाई आ गई. ठीक है, अंडरस्टूड. आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है. आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए. तो कीजिए भाई याद, आयत और वर्ग, 108 मीटर आयत का, लंबे आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई यानी लेंथ कितनी है इसकी, 108. एरिया हम आगे करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा यानी एस कितनी है इसकी, 72. अब इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसका एरिया क्या आएगा, 72 × 72. आपको इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, मल्टीपल आगे हम करेंगे, काटने की ज़रूरत पड़ेगी हमें. तो एज इट इज़ ये एरिया जो है इसका हो जाएगा, इसका एरिया क्या होता है, l × b. तो इसका एरिया है 72 × 72, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, इसके एरिया के बराबर है. l कितनी है, 108,
मल्टीपल बी। तो अभी बी क्या आएगा, बी आएगा 72 गुना 72 बटे 108। तो ये आप 36 के टेबल पे काट दीजिए, 36 टू जा 72, 36 थ्री जा 108, ये आ जाएगा 2 एंड 4, 2 एंड 4, यानी ब्रेथ इसकी क्या आ जाएगी, 24 टू जा 48 मीटर जो इसकी ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जैसे आपको ये बताता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल आयत है, उसका जो एरिया है वो 360 है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। यानी हम अगर वर्ग का एरिया निकालें, वर्ग के एरिया, इसका 90%, इसका 90 जो परसेंट है वो क्या है, 360 है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो इसका एरिया क्या आएगा, तो इसका ये, इससे ये कट गया, ये गया 4 पे 40 पे, तो इसका एरिया क्या आ गया, 400 आ गया। ठीक है, 400 का 90% कितना होता है, 360 होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर एरिया 400 है तो इसकी साइड क्या होगी, साइड आएगी 400 का स्क्वायर आएगा ना, तो ये आ जाएगा 20 मीटर जो इसके अंडरूट आ जाएगी। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस इजिकल टू ए होता है, तो एस की स्क्वायर इजिकल टू ए, तो एस इजिकल टू ए की अंडरूट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत और एक वर्ग की परिमिति समान है। आयत और वर्ग का जो पैरामीटर है वो इक्वल है, प्रत्येक 80 मीटर्स की है, उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है। तो आयत की भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब आयत का और यहाँ पर वर्ग, इनका पैरामीटर कितना है, 80 है, इसका भी क्या है पैरामीटर, 80 है। तो यहाँ से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, 4 मल्टीपल साइड इंटू 80, तो साइड क्या आ गई, ये कट जाएगा आपका 20 पे 20। अब इसका एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया आपका 20 मल्टीपल 20, यानी साइड मल्टीपल साइड, यानी 400। अब ये इसके अंदर डिफरेंस जो है 400 का है। देखो एक चीज़ और होती है, अगर वर्ग और आयत की जो पैरामीटर अगर इक्वल होना, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ग होता है उसका एरिया हमेशा ज़्यादा होएगा आयत से, क्योंकि इसने यहाँ पे डिफरेंस नहीं दे रखा ना कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आयत और वर्ग का पैरामीटर इक्वल होता है तो हमेशा वर्ग का पैरामीटर ज़्यादा होता है, तो इसका सॉरी वर्ग का एरिया ज़्यादा होता है, तो इसका एरिया इससे क्या होगा, 100 कम होगा। तो 400 माइनस 100 यानी इसका क्या आ गया, 300 जो है इसका पैरामीटर आ गया। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया था, देखिए ये है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी क्या है, 80 है, तो ए प्लस बी क्या है, 40। तो अब आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है, दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीपल हो 300 और प्लस हो इसका 40। ठीक है, तो प्लस हो 40 और मल्टीपल हो आपको 300, तो ये आ जाएगा 30 और 10, यही आएगा ना, 30 और 10 का ऐड 40 हो जाएगा और इनकी जो मल्टीपल है वो 300 हो जाएगी। तो इसने पूछा आयत की भुजाएं, यानी लेंथ है 30 और ब्रेथ है इसकी 10। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। अगला देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो और आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, तो आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या पूछा है इसने, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है और हमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ प्लस माइनस दे रखा है वर्ग में से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग की साइड मान लेंगे, भुजा मान लेंगे कितनी, एक्स। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर
ये किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की भुजा क्या होगी? इसकी लेंथ है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लेंथ है इसकी एक्स प्लस 5 और ब्रेथ है इसकी प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी एक्स माइनस 3। तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा एल इंटू बी। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं ऊपर थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या है? एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको मल्टीपल करो, इसको पहले इसके साथ करो एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ माइनस 3x, दिस वन 5x और प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये रह जाएगा 2x इजिकल टू 15। तो x क्या आएगा? x आ जाएगा 7.5, यानी 15/2, यानी ये आ जाएगा आपका 7.5। 7.5 क्या आ गई? ये आ गई साइड आपकी, क्या आ गई ये साइड, 7.5 सेंटीमीटर जो है साइड आ गई। तो आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो अब आयत की लेंथ कितनी होगी? 7.5 प्लस 5 यानी 12 प्लस 5 और ब्रेथ क्या होगी? 7.5 माइनस 3 यानी 4/5। तो अब इसकी परिमिति क्या होती है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 12.5 प्लस 4.5, दिस वन इज 2 × 17 34 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या आ जाएगी? परिमिति आ जाएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही इजी है, आपको इसको आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब है कुछ सर्कल के ऊपर बेस क्वेश्चन, ये मैं आपको करवाती हूँ। उससे पहले मैं आपको सर्कल के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ये होता है सर्कल, ये होता है इसका सेंटर पॉइंट, इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट। यह होती है इसकी त्रिज्या यानी रेडियस यानी आर, और ये पूरा होता है डायामीटर यानी व्यास, यानी त्रिज्या का दुगना क्या होता है? डायामीटर यानी व्यास, ठीक है। और इसके अगर हम चारों तरफ कुछ चक्कर लगाएं या कुछ करें तो वो होती है उसकी परिमिति या सर्कमफ्रेंस। क्या होता है इसका? सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें फॉर्मूला अगर हम करें तो जो वृत्त होता है उसका जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है या परिमिति या परिमाप होता है 2πr। इसमें बेसिक दो ही फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, या फिर अगर पॉइंटों में करें तो 3.14 जो इसकी वैल्यू होती है। तो इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? देखो, इसमें ना पाई आर स्क्वेयर सेम है सभी में, पाई आर स्क्वेयर दोनों में, वृद्धि करने के बाद भी और पहले भी, तो पाई से तो पाई कट जाएगा। अगर ये 10 है तो 10 × 10, आर अगर 10 है तो 10 × 10 यानी 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? 100। अगर हम 10 में से 50% बढ़ा दें, 10 का 50%, 10 का आधा 5, 5 बढ़ गया तो क्या हो गया? 15। तो हम 15 की स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225, ठीक है। तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ? इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 125, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 125% जो है वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए, मान लो पहले पाई, तो पाई से तो पाई कट जाएगी, उसी तरीके से आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर रह जाता है। तो पहले क्या थी? 10 थी, 10 × 10 यानी 100। अब 10% कम कर दिया, 30%, 10 का 30% क्या होता है? 3 यानी 7, 3 कम कर दिया मतलब 7, 7 और 7 यानी 49। तो अभी इसमें कितनी कमी आ गई? 100 में से हम 49 माइनस करेंगे तो 59% की जो इसमें कमी आ गई, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन। आगे देखिए, यदि किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? व्यास और त्रिज्या में कोई वो नहीं है क्योंकि सेम, तो बात तो वही रहनी है आपकी। तो ये भी वैसे ही होगा, 40%
यानी अगर 10 है तो 10 मल्टीपल 10 40%, मतलब 10 का 40% 4, यानी 14 और 14 ये 100 है, तो ये कितना होगा 196। तो इसको माइनस करेंगे 96% जो इसमें वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से यदि किसी वृत्त के परिधि में 50% वृद्धि हो जाए, वही यही सेम ही आएगा, परिधि हो चाहे व्यास हो चाहे त्रिज्या हो चाहे कुछ भी हो, यही फॉर्मूला सेम लगेगा। तो 50-50 बढ़ाएंगे तो जो ये निकाला था यही आ जाएगा, 100 और 10 और 10, और ये आ जाएगा 15 और 15, यानी 225, और ये है आपका 100, यानी यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 125% का। तो ये तो है आपके 4 बेसिक क्वेश्चन जो आपसे किसी तरीके से पूछे जा सकते हो और आपको इसको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये है मेन क्वेश्चन, तो ये देखिए 88 किलोमीटर की दूरी तैरने के लिए एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, इस पहिए का व्यास कितना है। देखो ये क्वेश्चन, एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय करेगा, ये देखो ये किलोमीटर है ना और ये 1000 चक्कर है इसके, तो हम इसको मीटर में बना लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी है, 88, इसको कर देते हैं मीटर में 1000, और ये आ जाएगा 1000 इसके चक्कर हो गए पूरे, यानी ये आता है 88, यानी एक चक्कर जब इसका लगता है इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये वापस आता है तो ये 88 मीटर चल पड़ता है, ठीक है 88 मीटर चल पड़ता है, यानी यहाँ से ये चीज़ें क्या है इसकी सर्कमफेरेंस है, यानी 2π और r कितना है 88 है, यहाँ से 44 2, यानी r कितना है आपका 14। इसने पूछा इस पहिए का व्यास कितना है, तो व्यास कितना होगा इसका 2 गुना, यानी 28 जो इसका व्यास आ जाएगा। समझ में आ गया ये इतना, यहाँ से हम इसको मीटर बना लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। एक वृत्ताकार पहिया, अभी इसने त्रिज्या दे रखी है, आपको बताना है चक्कर कितने लगाए, इसमें क्या है आपको इसमें चक्कर दे रखे थे 1000 चक्कर हैं, व्यास निकालना था, यानी एक तरीके से त्रिज्या निकालनी थी। अब आपको त्रिज्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, आपको चक्कर बताने कितने लगाने हैं, लगाया इसने, तो ये एक में कितने चक्कर लगाएगा, 2πr, यहाँ से निकालो आप 2πr, r कितनी आपकी 175.75 है, तो इसको हम मल्टीपल डिवाइड 100 कर देंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि एक राउंड में ये कितने किलोमीटर कवर करता है, ठीक है कितने किलोमीटर कवर करता है, ठीक है ये मीटर है यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये आप देखो, ये गए 2 और 5, 25 4 100, 2 and 11, यानी 11 मीटर, एक राउंड में ये 11 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो अब आप बताइए 11 किलोमीटर कितने में जाएगा, ये 11 किलोमीटर, अगर 11 को हम किलोमीटर को मीटर बनाते हैं 1000, और ये अगर हमारा 11 मीटर यहाँ पे हम नीचे रखते हैं, यानी एक चक्कर में ये नहीं 11 मीटर में दूरी करता है, ये एक चक्कर एक मीटर में करेगा 1/11, इसको थोड़ा सा और समझा देती हूँ मैं, 11 ये आया ना, यानी 11 मीटर में लगाता है ये एक चक्कर, 1 मीटर में लगाएगा ये 1/11 चक्कर, और 11 किलोमीटर में क्या लगाएगा, अब इसको किलोमीटर को मीटर बनाएंगे ना, या 11 और गुना 1000, ये मीटर बन गया, तो इससे ये कट गया, यानी 1000 चक्कर ये लगाएगा तब जाके ये 11 किलोमीटर की दूरी तय होगी इससे, ठीक है। आगे देखिए अगला, सात बटे 11 मीटर व्यास का एक पहिया 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, 7/11 मीटर का व्यास। तो अब आपको क्या करना है, पहले वही आपको पहले एक चक्कर में बताना है कि कितने किलोमीटर चलता है ये, तो 2π r कितना है, ये क्या है 7/11 क्या है आपका व्यास है ना, इसका हम आधा करेंगे, 7/11 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या आ जाएगी, इसे ये कट गया, इसे ये कट गया, ये 2,
यानी 2 मीटर। तो वही फॉर्मूला, 2 मीटर में लगाता है ये एक चक्कर, 1 मीटर में लगाएगा ये 1/2 चक्कर। 4 किलोमीटर है तो 4 × 1000 मीटर, 4000 मीटर में ये लगाएगा, 2000 चक्कर जो है ये पूरा कर लेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखिए अगला, बिल्कुल बेसिक है ये तो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक गाय को किसी लंबी रस्सी से खूंटे से बांधा जाए तो यह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्र पर घास चर सकेगी। कितना आपको एरिया, ये आर आपको निकालना है कि ये जो कितना एरिया कवर कर ले कि ये जो एरिया है यहाँ तक घास चरेगी, घास साइड में तो नहीं चरेगी, अंदर ही चरेगी। तो इसका जो एरिया ना ये 9856 है, तो ये बताना है कि ये कितने लंबी इसकी रस्सी हो ताकि ये इतने तक चढ़ सके। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको अंदर का दे रखा है। मैंने आपको बताया था ना हमेशा ये चीज़ निकालती है तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा एरिया होता है, कल बताया था। और बाहर की होती है तो वो होता है हमेशा इसका पैरीमीटर। तो पाई आर स्क्वेयर क्या है, 9856, ये आपका एरिया। तो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9856। जब हम इसको 22 से काटेंगे तो ये पहले जाएगा 4 पे 48015, फिर जाएगा ये 4 पे 48 7 6 और ये 1। तो ये जाएगा आपका 8 पे, तो 448। अब आर स्क्वेयर क्या आ गया, आर स्क्वेयर आ गया 448 × 7। तो आर क्या आ जाएगा, इसमें से 7 हम कॉमन ले लेते हैं, 7 × 7 यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 7 से करेंगे तो 7 × 6 = 42 7 × 6 = 28 7 × 4 = 28। तो ये किसका है, ये 8 का है और ये किसका है, 7 का। तो आर क्या आ गया आपकी, आर आ गई 56। ये दोबारा करवाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, 448 × 7 इसका अनरूट आएगा। ये इसके हम टुकड़े ना यही बना लेते हैं, पहले हम मल्टीपल करेंगे फिर टुकड़े बनाएंगे। इससे अच्छा है कि ये जो 7 है ना, 7 एक और 7 ले आते हैं इसमें से, जब इसको एक और 7 लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इसको 7 से मल्टीपल करेंगे तो 6 से कटेगा ये, 7 × 6 = 42 और फिर ये 28 यानी 4 पे। तो ये तो 7 आ गया बाहर, वो 64 है, ये किसका अनरूट है, ये 8 का। यानी आर क्या आ गया, आर आ गई आपकी 46 जो है मीटर इसकी आर आ गई। तो ये देखो, ये मैंने अभी तक आपको क्या क्या करवा दिया, देख लो आपको करवा दिया मैंने रेक्टेंगल के बे सुपर क्वेश्चन, स्क्वेयर पे रेक्टेंगल प्लस स्क्वेयर के क्वेश्चन, और आज आपके होगे सर्कल के। तो कल एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और होंगे और उसके बाद हम 3D के शुरू करेंगे, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, वॉल्यूम और एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, मैथ में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है कि मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको मेरे कमेंट सेक्शन पर लिखिए, मैं आपको इसको 100% अपनी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका आंसर निकाल के आपको भेजूँ या आपको इस सेशन में करवाऊँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है आप इस पर ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच।